वेलकम बैक लिसनर्स, वो जी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यूथ टाइम और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान खान FM 93 लाहौर से। जी और ट्रैक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कुछ कोविड के हवाले से, कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो आपने अपनाने हैं, और आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू जो है वो भी सुनी कि वैक्सीनेशन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, बहुत पॉजिटिव जो रिजल्ट्स हैं वो आ रहे हैं पूरी दुनिया से ही, इसलिए वैक्सीनेशन आप लोग ज़रूर करवाएं। और यहाँ पे मैं एक और बात अब कहना चाहूँगा, वो है जी थोड़ी सी हमारी समाज के हवाले से, सोसाइटी के हवाले से। मैं भी जैसे स्टूडियो आ रहा था अभी, तो हमें काफ़ी जो ट्रैफिक के जो मामलात हैं वो हमें देखने में नज़र आते हैं, और लाहौर की जो ट्रैफिक है स्पेशली वो बड़ी इरेगुलर जो है वो समझी जाती है। तो इस हवाले से मैं ये कहता चलूँ कि एज़ यंगस्टर और एज़ यूथ जो जितने भी नौजवान मुझे सुन रहे हैं, उनको ज़रूर इस हवाले से भी अपनी ड्यूटी जो है वो परफॉर्म करनी है कि जो ट्रैफिक है, और जो जब आप बाइक चला रहे हों, जब आप गाड़ी चला रहे हों, इवन जो हमारे भाई हैं जो रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, उनको भी फॉलो करने की ज़रूरत है। कोशिश करें गैर ज़रूरी जो ओवरटेकिंग है ये ना करें, क्योंकि अभी इवन मैं आ रहा था तो ट्रैफिक जो है बहुत कम थी रोड्स पे, मार्केट्स बंद थी, लेकिन उसके बावजूद जो इरेगुलर ट्रैफिक चल रही थी रोड्स के ऊपर और जो ओवरटेकिंग थी वो बहुत ज़्यादा थी और हद से ज़्यादा थी, इवन जो डेंजरस हो जाती है जो पीछे से कोई गाड़ी आ रही हो। तो उस हवाले से आपने अपनी ड्यूटी जो है वो परफॉर्म करनी है, और हर चीज़ सारा मलबा जो है ना वो आपने गवर्नमेंट पे नहीं डाल देना। इवन मैं अभी कुछ लास्ट वीक आउट ऑफ सिटी था, तो वहाँ पे मैं डिफरेंट सिटीज़ जो है मैंने विज़िट किए, तो हमें ऐसे सिटीज़ भी देखने को मिले जहाँ पे मैं रोड के ऊपर ट्रैफिक पुलिस नज़र नहीं आती, लेकिन वहाँ पे जो ट्रैफिक है वो बहुत रेगुलर है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को ट्रैफिक कानून का पता है, लोगों को अपनी ड्यूटी का पता है, लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जब ट्रैफिक पुलिस वाले होंगे, हमारे भाई रोड पे खड़े होंगे, तभी वो आपको ज़बरदस्ती जो है वो ट्रैफिक कानून सिखाएंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने खुद लेनी है ताकि हमारा मुआशरा जो है वो सही हो सके, और मेरा ख्याल है कि यही निशानियां हैं एजुकेटेड सोसाइटी की, तालीम याफ्ता जो सोसाइटी है उसकी। तो इसलिए अगर आप बाइक चला रहे हैं तो कोशिश करें कि गैर ज़रूरी जो जिग जैगिंग है रोड के ऊपर वो ना करें। जो हमारे भाई हैं ऑटो चलाने वाले चिंची हैं, और वो भी ज़रा एहतियात करें इन हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ट्रैफिक बढ़ती जा रही है आबादी के साथ। तो ये सारी ड्यूटी, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने खुद अपने ऊपर जो है वो लागू करनी है। जी और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप माइंड करें, क्योंकि माइंड करने वाली बात नहीं है, बल्कि कुछ सीखने वाली बातें हैं जी, बातें सीखें ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें आगे काम आएंगी। और अभी मैं सोशल मीडिया देख रहा था, वहाँ पे एक पोस्ट मुझे बहुत अच्छी लगी कि बच्चे जो हैं वो बड़ों से सीखते हैं, चाहे वो मोहब्बतें हों, नफ़रतें हों या इबादतें हों। तो अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आगे आने वाली जो हमारी नस्ल है वो भी आपसे ही सीखेगी, और वो लाजमी बात है वो बेहतर से बेहतरीन होगी। इसलिए कोशिश करें कि अपने बच्चों के लिए अच्छी एग्जांपल्स सेट करें। वॉल जी बढ़ते हैं कॉल ट्रैक की तरफ, मज़ीद बातें हैं वो आपके से चलती जाएंगी, स्टे विद मी। सो लिसनर्स एंड व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जी यूज़ टाइम, सुन रहे हैं यूज़ टाइम FM 93 लाहौर से, और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान खान। लाहौर स्टेशन से हम लाइव हैं, और बातें हमारी चल रही हैं कुछ कोविड के हवाले से, कुछ सोसाइटी के हवाले से। और यंगस्टर के तौर पे, नौजवान होने के तौर पे हमारी ये ड्यूटी है कि हम इन बातों पे अमल करें ताकि आगे आने वाली नस्ल जो है वो बेहतर से बेहतरीन हो। एजुकेशन, डिग्रीज, ये सारी चीज़ें चलती जाती हैं, लेकिन जो ये सोसाइटी है, सोसाइटी को ठीक करना भी हमारा फ़र्ज़ है। तो आई होप कि आप लोग इन बातों पे ज़रूर अमल करेंगे। थैंक यू। वेलकम बैक लिसनर्स, वो जी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यूथ टाइम, और मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ीशान खान FM 93 लाहौर से। जी तो आज संडे है, तो आई होप कि आप लोग जो है सब अपनी फैमिली को टाइम दे रहे होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे, साथ ख्याल रख रहे होंगे तमाम उन बातों का जो कि अभी आप सुनते आ रहे हैं कंप्लीट शो में,
SOPs के बारे में, वैक्सीनेशन के हवाले से, तो इन्जॉय भी करें और साथ साथ इन बातों का भी ख्याल रखें ताकि एक अच्छा वक्त और एक अच्छा मुस्तकबिल जो है आप लोग बना सकें। वेल, अक्सर ये देखने में आता है कि जो यंगस्टर्स हैं, वो जो हमारे नौजवान हैं, वो यही कहते हैं कि जी अभी हमारी एज क्या है, अभी हम लोग इन्जॉय करेंगे और इन बातों पे अमल करेंगे, जो लोग हमें कहेंगे क्या डर रहे हो या बड़े हो गए हो, तो इन्जॉय ज़रूर करें। और आप यंगस्टर हैं और यंगस्टर होने के नाते आपके ऊपर जो फ़र्ज़ है वो ज़्यादा है, क्योंकि आप लोगों ने ही आगे सोसाइटी को जो है वो संभालना है। और चाहे वो तालीम हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिज़नेस हो, कारोबार हो, कोई भी फील्ड हो, नौजवानों का जो किरदार है वो ज़्यादा है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने किरदार को जो है, अपनी जो फ़र्ज़ है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको समझें और उस पर अमल भी करें। इसी हवाले से अगर हम हिस्ट्री को भी देखें, और अगर हम अपने दो तरह के माजी होते हैं, एक माजी बईद होता है, एक माजी करीब होता है, तो अगर आप माजी बईद को भी देखें तो उसमें भी हमें हिस्ट्री में बहुत से ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे लोग हमें नज़र आएंगे जिन्होंने टीन एज में ऐसी इन्वेंशंस की थी जो कि हम लोग और हमारे जो अब यंगस्टर्स हैं अगर उस बारे में सोचेंगे तो बहुत हैरान होंगे। और इसी तरह अगर माजी करीब के बारे में भी हम देखें तो पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी शख्सियात रही हैं जिन्होंने बहुत सी बहुत छोटी एज के अंदर बहुत बड़ा जो मुकाम है वो हासिल कर लिया था। इसमें अगर सबसे पहले मैं बात करूँ तो अरफा करीम का नाम कौन नहीं जानता, जिनके नाम पे एक आईटी यूनिवर्सिटी जो है वो भी है, अरफा करीम टावर भी है, तो वो भी कितनी छोटी एज के अंदर कितना बड़ा मुकाम हासिल करके गई हैं। तो हमें सिर्फ अपने इंटरेस्ट को, हमने सिर्फ अपने फ़र्ज़ को जो है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है, बहाने नहीं बनाने। अगर आप बहाने बनाएंगे तो आप कभी भी ज़िंदगी में कामयाब जो हैं वो नहीं होंगे। अपने फ़र्ज़ को समझें, अपनी ड्यूटी को समझें, आप यकीनन बहुत कम एज में बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। जी, और अगर मैं सच कहूँ तो ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, मेरा तजुर्बा भी है कि अगर आप वाकई में किसी काम के लिए कुछ करते हैं, कोशिश करते हैं, तो अल्लाह आपको वो मंजिल जो है वो ज़रूर देते हैं और वो आप बन भी जाते हैं। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं ज़िंदगी में और उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, आप उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, अल्लाह वो आपको मकाम, वो चीज़ आपको हासिल करके देते हैं। और जी मज़ीद बातें होंगी लेकिन शामिल करेंगे जी को ट्रैक, उसके बाद दोबारा को ज्वाइन करूँगा। स्टे विद मी। जी बिल्कुल, इसलिए अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, स्ट्रगल ज़रूर करें, मेहनत ज़रूर करें, आपको वो मकाम, आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलके रहेगी। ट्रैक बहुत खूबसूरत है, ये तेरे नाल नाल पाकिस्तानी मूवी है, पंजाब नहीं जाऊंगी का ट्रैक है। और आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं प्रोग्राम यूथ टाइम FM 93 लाहौर से, और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान खान। स्टे विद मी। वेलकम बैक लिसनर्स, वॉल जी आप सुन रहे थे प्रोग्राम यूथ टाइम और मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ीशान खान FM 93 लाहौर से। और वक्त है जाने का, क्योंकि 4 बजे आप सुनेंगे रेडियो पाकिस्तान से खबरें। उम्मीद करता हूँ कि आज जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं सोसाइटी के हवाले से और अपने इवन कैरियर के हवाले से भी, आप इन बातों पर ज़रूर अमल करेंगे। आप अपने मेज़बान ज़ीशान खान को शो यूथ टाइम से दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखेगा, कोई गलती हो गई तो माफ़ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।